मेरा जो YouTube चैनल है ना उस पर व्यूज़ नहीं आते, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये रहा मेरा चैनल, इस पर करीबन 1.5 लाख के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 1000 में भी अभी नहीं आ पाते हैं, जैसे देखो 300, 500, 1000 मैक्स। जो मेरे व्यूज़ आते हैं वो आते हैं मोस्टली SEO के थ्रू। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, वो है SEO, मुझे कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है अपने वीडियोज़ को, अपने आर्टिकल्स को, अपने ब्लॉग को। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियोज़ के बारे में। अगर आप लोग सर्च करोगे बेस्ट फ्री VPN इन इंडिया, जैसे बेस्ट VPN है, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको बेस्ट होस्टिंग, बेस्ट फ्री VPN, 11 Labs कैसे रिव्यू करें, जो भी व्यूज़ मुझे आते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, ये सब आते हैं SEO के थ्रू। इसके लिए यहाँ पर मैं दो टूल्स का यूज़ करता हूँ, VidIQ और TubeBuddy, दोनों को कैसे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, कैसे मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कौन सा टूल अच्छा है, फ्री में कौन सा अच्छा है, पेड में कौन सा अच्छा है, किसके क्या यूनिक फीचर्स है, कैसे मैं यूज़ करता हूँ और क्या आपको एक्चुअल में इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी, यहाँ पर मैं VidIQ TubeBuddy जैसे टूल्स का पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2021 में भी मैंने इसका कंपैरिजन वीडियो बनाया था, आज लगभग 3 साल के बाद इसका हम लोग वापस एक कंपैरिजन करने वाले हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया यूट्यूब के लैंडस्केप में, तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपको कब इसका यूज़ नहीं करना है। जब आपके कॉन्टेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तब इन टूल्स को अवॉइड करो। डजेंट मैटर आप कितना भी SEO कर लो, कुछ भी टूल्स का यूज़ कर लो, लाइटिंग्स कैमरा यूज़ कर लो, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। तो पहले अपने कंटेंट पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। उस पे कैसे ध्यान दोगे, देखो कि दूसरे लोग क्या बना रहे हैं, उससे अपना कंपेयर करके देखो। जब आपको ऐसा लगे कि यार अब मैं डिसेंट क्वालिटी का कॉन्टेंट बना रहा हूँ, तब ये वाला वीडियो आगे देखो, देन इट विल बी यूज़फुल। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्री वर्जन, VidIQ और TubeBuddy दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। कोई एक यूज़ करना हो तो आई विल से VidIQ यूज़ करो, VPH, व्यूज पर आवर, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, बेसिक कीवर्ड रिसर्च, आपको फ्री वर्जन में यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड इट इज़ गुड इनफ। कैसे यूज़ करना है उसको, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है VidIQ के ऊपर, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लो। वहाँ पे मैंने पूरा बताया कि फ्री वर्जन को कैसे A to Z यूज़ करना है। फ्री वर्जन तो यूज़ कर ही लो, उसमें क्या ही नुकसान है आपका। अगला जो मेन पर्पस होता है इन टूल्स का वो होता है कीवर्ड रिसर्च। देखते हैं VidIQ में कैसे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च होती है। ये आपको यहाँ पे कीवर्ड इंस्पेक्टर इस तरीके से मिलेगा VidIQ में, आई विल गो एंड सर्च बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर ट्रैवल, यहाँ पे सर्च कर देंगे, यहाँ पर आपको उसकी अप्रॉक्स सर्च वॉल्यूम मिल जाएगी एंड इन डिफरेंट कीवर्ड्स भी आपको बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं एंड यू कैन फिल्टर इट बाय सर्च वॉल्यूम, कौन कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जिसकी यहाँ पे सर्च वॉल्यूम अच्छी है। तो अब भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर ट्रैवल, यहाँ पे मुझे पता चला कि बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, इसकी सर्च वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है। ऑल्सो यहाँ पर बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स, इसकी भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं ये 2-3 कीवर्ड्स को यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। अब हम लोग TubeBuddy का देखते हैं। TubeBuddy पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा, आई विल गो एंड सर्च बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर ट्रैवल, ये आपको यहाँ पर और कुछ सजेशंस भी दे देगा, आई विल क्लिक एक्सप्लोर। अब यहाँ पर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स तो मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, बट जो इनकी सर्च वॉल्यूम है वो ये नहीं दिखाता अनटिल एंड अनलेस यू क्लिक ऑन इट, ये मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा है। और यहाँ पे वेटेड और अनवेटेड का फंडा है, अनवेटेड मींस कि जनरली आपको बताता है उस कीवर्ड की क्या वॉल्यूम रहेगी, वेटेड में ये बताता है कि बेस्ड अपॉन योर चैनल, जो मेरा जो चैनल है उसके हिसाब से इसकी क्या रैंकिंग से अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो वो रैंक हो पाएगा कि नहीं, वो आपको यहाँ पे वेटेड बताता है। अभी यहाँ पे फिलहाल वेटेड और अनवेटेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता रहा है। और जो इसकी मंथली सर्च एस्टिमेट है वो है 782, मीन्स लगभग 7 लाख की। तो दोनों पे यहाँ पर आपको जो कीवर्ड वॉल्यूम मिलेगी वो काफ़ी डिफरेंट रहेगी एंड मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे VidIQ की ज़्यादा मुझे एक्यूरेट लगी है फॉर यूट्यूब पर्पसेज। अगर आप लोग फर्स्ट पे भी रैंक कर गए फॉर बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर ट्रैवल तो आपको महीने के यहाँ पे 7 लाख व्यूज़ नहीं मिलेंगे, इसलिए जो TubeBuddy का मंथली एस्टिमेट है वो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ में यहाँ पे TubeBuddy पे आपको साइड में ये भी मिल जाता है कि YouTube पे इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम कैसा रहा है, ये मुझे अच्छा लगा है। गूगल ट्रेंड्स इसके कैसे हैं, अभी फिलहाल ये चल नहीं रहा है, लेकिन ये भी आपको कुछ इस तरीके से ही बताता है जो कि अच्छा है। और बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एंड विच आर द टैग्स दैट यू कैन कंसीडर टू ऐड इन योर वीडियो, एंड रिजल्ट्स पे जाओगे तो अभी कौन से यहाँ पे वीडियोस टॉप पे रैंक कर रहे हैं वो भी आपको बता देगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए आई फील VidIQ यहाँ पे थोड़ा बेटर टूल है। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो जो उसके टैग्स सजेशंस रहते हैं वो दोनों में ही आपको मिल जाते हैं। VidIQ में कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जैसे ही मैं बूस्ट दिस वीडियो पे क्लिक करूँगा वो मुझे यहाँ पे कीवर्ड सजेशंस कुछ इस तरीके से दे देगा। नीचे आते हैं, TubeBuddy का बाय डिफ़ॉल्ट ही सभी वीडियोस के लिए वो इस तरीके से दे देता है एंड इन जनरल यहाँ पे मुझे TubeBuddy का थोड़ा बेटर यहाँ पे सजेशंस लगा है फॉर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, फॉर टैग्स, स्पेसिफिकली फॉर टैग्स। एंड ये बात आपको पता होना चाहिए कि YouTube अब इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करता है, टैग्स आर नॉट दैट रिलीवेंट इन 2024, बट स्टिल इट्स गुड टू हैव इट।
कुछ नुकसान तो है नहीं, तो एक सिंपली टूल यूज करके इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो VidIQ यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है, क्योंकि यहाँ पे व्यूज पर आवर मिल जाता है। यू कैन हैव कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स डाल सकते हो एंड देख सकते हो कि चलो इस महीने उनके यहाँ पे कौन से वीडियोस अच्छे चले हैं। जैसे अगर संदीप महेश्वरी को डाला है तो दिस इज द वीडियो, बिजी फंडा करके, तो उनके यहाँ पे कौन से अच्छे वीडियोस चल रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले ये था, 9 दिन पहले ये था, तो ये वाला जो वीडियो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स बाय एडिंग इट हियर। फिर यहाँ पे व्यूज पर आवर से सॉर्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि अच्छा नहीं, ऑल टाइम में इनके कौन से अच्छे चले हैं, पिछले एक महीने में कौन से अच्छे हैं और इस हफ्ते उनके कौन से अच्छे वीडियोज यहाँ पे चल रहे हैं। ईज ऑफ यूज के बारे में बात करी जाए तो VidIQ और TubeBuddy यहाँ पे दोनों ईजी है यूज करना। TubeBuddy पहले जो इसका इंटरफेस था वो इतना अच्छा नहीं था, रिसेंटली इसी साल उन्होंने अपना इंटरफेस भी अपडेट किया है। नाउ बोथ आर इजी टू यूज, दोनों के एक्सटेंशन अच्छे हैं, दोनों के अकाउंट मैनेजमेंट फीचर्स अच्छे हैं। 2024 में दोनों ही यहाँ पर काफी रिफाइन हो चुके हैं। ब्रांड अलर्ट्स में VidIQ के यहाँ पे ज्यादा अच्छे ऑप्शन है कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड पे देखूँ कि उसके कितने उस कीवर्ड पे कौन सा वीडियो अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग पे है, तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ TubeBuddy। जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में ऐसे वीडियोज आए जिसका जो व्यूज पर आवर है वो 500 के ऊपर हो, तो वो मुझे यहाँ पर सिंपली मेल कर दे। हालांकि इसकी रिपोर्ट हमेशा यहाँ पे एक्यूरेट नहीं रहती है, बट कंपेयर टू TubeBuddy थोड़ी ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो सिर्फ इसकी 10-20% ही एक्यूरेसी है, आपको 10 वीडियोस भेजेगा उसमें से यहाँ पर आपको एक तो काम का वीडियो मिल ही जाएगा। मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करूँ तो TubeBuddy और VidIQ दोनों के मोबाइल ऐप्स मुझे काफ़ी एवरेज लगे और मैं रिकमेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मोबाइल ऐप्स के लिए आप लोग इसको परचेज करो। अब इसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करी जाए, VidIQ के बारे में बात करता हूँ पहले। तो यहाँ पर आपको व्यूज़ पर आवर मिल जाता है, जो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स सिंस लास्ट 4 ईयर्स। एंड यू हैव सम AI फीचर्स राइट नाउ, AI कॉन्टेंट जनरेटर, AI कोच, AI डिस्क्रिप्शन टाइटल, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एवरेज से। ChatGPT आपको उससे अच्छा बेटर रिजल्ट दे देगा, इट इज़ नॉट वर्थ इट इन माई ओपिनियन। देन देयर इज कॉमेंट फिल्टर, जो कि मुझे अच्छा लगा, यू कैन फिल्टर द कॉमेंट्स, तो ये रिसर्च में मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो स्क्रिप्ट माई वीडियोस, ये वाला चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती है, ये आपको इनफैक्ट फ्री प्लान में भी मिल जाता है VidIQ के। एंड देन देयर इज चैनल ऑडिट, ये यहाँ पर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दे देता है आपके YouTube एनालिटिक्स का, कि कौन से वीडियोस चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, किस पे काम करने की ज़रूरत है, और अगर कोई चल रहा है तो क्यों चल रहा है, वो सब ये आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में दे देता है। TubeBuddy के यूनिक फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो AB टेस्टिंग मिल जाती है, यू कैन AB टेस्ट थंबनेल। दो थंबनेल्स के बीच में कंफ्यूज हो तो दोनों अपलोड करके देख सकते हो कि कौन सा थंबनेल यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो फीचर है बहुत जल्दी यूट्यूब पे बाय डिफॉल्ट आने वाला है। ये एक TubeBuddy का स्टैंड आउट फीचर हुआ करता था, जिसके लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे TubeBuddy परचेज करते थे, बट अब ये फ्री में एब्सोल्युटली यूट्यूब सबको प्रोवाइड करने वाला है। अगला इसका यूनिक फीचर है बल्क एडिटिंग का, यहाँ पर आप लोग बल्क में कार्ड्स को, एंड स्क्रीन्स को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस्ट VPN 2024 का वीडियो बनाया है और बेस्ट VPN 2023 का भी वीडियो था पहले। अब मुझे जिसमें भी मैंने आई बटन पे लिंक किया था बेस्ट VPN 2023 के वीडियो को, मुझे उसको अपडेट करना है बेस्ट VPN 2024 पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे बल्क अपडेट रन करूँगा एंड जितने भी मेरे 400-500 वीडियोस है वो सबको जाएगा, सबको सर्च करेगा एंड देखेगा कि किस में मैंने बेस्ट वीडियो, बेस्ट VPN 2023 यूज़ किया है, उसको रिप्लेस कर देगा 2024 में। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आप लोग महीने में इसको एक ही बार रन कर सकते हो फॉर योर चैनल। अगला TubeBuddy का यूनिक फीचर है रैंक ट्रैकिंग का, आपने कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डाल दिया है उस पर आपकी वीडियो की रैंक क्या है, हर हफ्ते ये आपको रिपोर्ट भेज देगा। जैसे कि हम लोग HREFs में अपने ब्लॉग्स के लिए करते हैं, इफ़ यू आर इनटू ब्लॉग, वैसे ही आप लोग यूट्यूब पे भी कर सकते हो फॉर योर वीडियोस, कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरी वीडियो की रैंक क्या है, क्या कोई दूसरा वीडियो आ गया है, मेरी रैंक अगर नीचे गई है तो क्यों गई है। फॉर एग्जांपल जैसे बेस्ट होस्टिंग 2024 है, उस पर अगर मेरी रैंक टॉप पर है तो ठीक है, अगर मेरी रैंक उस पर नीचे चली जाती है तो मैं देखता हूँ कि कौन सा वीडियो यहाँ पे ऊपर आ चुका है और मुझे क्या अपडेट करने की ज़रूरत है अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब इससे पहले मैं प्राइसिंग और बॉटम लाइन पे जाऊँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे खुद के पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे तो आई विल मेक अ स्मॉल कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू, इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा जो कि यूनिक है मेरे चैनल के यूजर्स के लिए, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी, मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके साइन अप कर सकते हो, फ्री या पेड जिसमें भी आपकी इच्छा हो। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो दोनों के यहाँ पे फ्री प्लान्स तो है ही, बट जो इनका पेड प्लान है, यहाँ पे VidIQ का मेनली जो पेड प्लान है वो बूस्ट वाला प्लान है, जिसमें आपको इनके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका ईयरली एक्सेस आपको लगभग 1,500 पर महीने में मिल जाएगा एंड मंथली एक्सेस भी है इसका 2,000 पर मंथ का। एंड TubeBuddy पे भी यहाँ पर आपको सिमिलर प्राइसिंग ही देखने को मिलेगी, 1 ईयर पे 1,200 है एंड 1 मंथ पे 2,600 है।
दोनों के यहाँ पे काफ़ी सिमिलर प्राइसिंग है फॉर द लेजेंड प्लान, और ट्यूब बडी के पास यहाँ पर एक सस्ता वाला प्लान भी है जो कि अप्रॉक्स 400 रुपीज़ का है, एंड इसमें सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च और सर्च ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स मिलेंगे, बाकी कोई और फीचर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। VidIQ का भी एक प्रो वाला प्लान था जो कि अभी शायद से इन्होंने यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया है, अभी फिलहाल उनकी वेबसाइट पर सिर्फ बूस्ट वाला प्लान ही शो हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि VidIQ आपको कब लेना चाहिए। मेरे हिसाब से VidIQ इज़ गुड फॉर न्यू क्रिएटर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छी मिल जाती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस इनका बेटर है, व्यूज़ पर आवर जैसे फीचर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप लोग इजीली ढूंढ सकते हो, ब्रांड अलर्ट जैसे फीचर्स हैं, तो इट इज़ गुड फॉर न्यू क्रिएटर्स इन माय ओपिनियन। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, तो ये जो फीचर्स है जो VidIQ प्रोवाइड कर रहा है फॉर फ्री एंड फॉर पेड, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप TubeBuddy को कब यूज़ करें। TubeBuddy के जो मेन फीचर्स है वो है AB टेस्टिंग का, बल्क अपडेट का, रैंक ट्रैकिंग के, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो कि अच्छा वर्क करते हैं TubeBuddy के ऊपर। ये जो सारे फीचर्स हैं ये तभी काम करेंगे जब आपके चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस हो, जब आपका चैनल ऑलरेडी एक लेवल तक एस्टैब्लिश हो चुका हो। तो आई विल रिकमेंड TubeBuddy इज फॉर मोर एस्टैब्लिश क्रिएटर्स। अगर आपके 10-20 हज़ार के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं ऑलरेडी, एक एस्टैब्लिश चैनल को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो TubeBuddy कैन हेल्प यू बेटर दैन VidIQ। और अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो दोनों के एक महीने के प्लान लेके देख लो। TubeBuddy पे एक महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, VidIQ पे मेरे कूपन कोड के थ्रू लोगे तो 90% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट मंथ। तो एक महीने आप लोग इजीली यहाँ पे दोनों को ट्राई करके डिसाइड कर सकते हो कि विच वन इज वर्किंग फॉर यू एंड फॉर योर नीश एंड फॉर योर चैनल, और क्या आपको सही में पेड की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। मैं यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, मैं तो देखो यहाँ पे दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, बट अगर मुझे सिर्फ एक ही चूज़ करना हो तो आई विल प्रीफर VidIQ। सो देखो यार यहाँ पर कोई सही और गलत तो है नहीं, दोनों के यहाँ पर अपने प्रोज एंड कॉन्स है। इनफैक्ट जो फ्री में यूट्यूब का एनालिटिक्स है वो भी 2024 में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, तो इफ़ यू आर हैविंग अ टाइट बजट, या मान लो आपके पास बजट ही नहीं है, तो स्टार्ट विथ यूट्यूब एनालिटिक्स। वंस यू हैव दैट बजट, आपके पास थोड़ा बहुत बजट है इन्वेस्ट करने के लिए, देन गो फॉर दीज पेड ऑप्शंस। और अगर आपको मेरा ये जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, इट रियली हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी कि मैं इस तरह के अनबायस्ड रिव्यूज और कंपैरिजंस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।